नमस्कार दोस्तों, आज घर में सबको उंधिया खाने को जी चाहा, तो चलो उंधिया की एक इजी और फास्ट रेसिपी बनाते हैं। हमारी आने वाली सभी वीडियो हिंदी और गुजराती दोनों लैंग्वेज में रहेगी। आज हम हमारे खेत में जाएंगे। हम घर पर फ्रूट के प्लांट उगाते रहते हैं और थोड़ा बड़ा हो जाए तब खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। वृक्ष बिना मनुष्य जीवन नहीं है। चलो एक निर्धार करें, हम जितने बरस के हुए इतने कैंडल नहीं पर इतने पौधे लगाकर हमारी बर्थडे सेलिब्रेट करें, या कम से कम एक पौधा लगाकर सेलिब्रेट करें। तुम्हारा जन्म दिवस है, तुम्हारी उम्र जितली कैंडल ने बदले इतना वृक्ष रूपी ने उजवो, अथवा कम से कम एक वृक्ष वावी ने उजवो। पहले खेत में टहल आते हैं तो थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगा। जो आप चालवू के एक्सरसाइज नहीं करो तो तुम्हारा हार्ट ने वधारे चालवू पड़से, मतलब कि ने वधारे काम करू पड़से। अगर आप एक्सरसाइज या वॉकिंग नहीं करोगे तो आपके हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। और याद रहे कि हर ऑर्गन की एक लाइफ होती है। आजे घर में बधाने ऊंधियो खावानी इच्छा थई छे, तो आपने सहेलाई थी ओछा समय में बनी जाए एवं ऊंधियो बनावीशू। आपने नाना सफेद झुमका रींगण, सुरती वाल पापड़ी, रताड़ू, शक्करिया अने बटाका वापरीशू। हमारे यहाँ आज जल का स्टोरेज नहीं है, तो हम सामने चाचा के वहां से सब्जियां धोकर थोड़ा जल भर के ले जाएंगे। सौथी पहला आपने चूल्हा ऊपर मुकवाना वासन ने माटी लगावी दईए, जेथी वासन काड़ू ना थाय अने सहलाई थी धोई शकाय। बर्तन को चूल्हे पर रखना है तो इस तरह मिट्टी लगाने से बर्तन काले नहीं होंगे और इजीली वॉश हो जाते हैं। रींगण मा मसालो भरवानो छे, माटे एने बे चीरा मूकीशू अने लांबा डीच ने कापी लईशू। सक्करिया अने रताड़ूना मोटा टुकड़ा करी लईशू। लीला धाना, मरचा, आदू, लीलू लसणनी पेस्ट मा धाना जीरू, मीठू अने गरम मसालो मिक्स करी रींगणना रवैयामां भरी लईशू।
હવે આપણે બધું બાફવા માટે આવા કાનાવાળા વાસણમાં મૂકી દઈશું. સુરતી પાપડીમાં મીઠું અને હળદર ઉમેરીશું. ઢાંકી દઈશું. ઊંધિયું બફાઈ ગયું છે. હવે ગ્રીન ચટણી તૈયાર કરી લઈશું. યે ચટણી મેં 70% ધનિયા લિયા હૈ. આ ચટણીમાં 70% ધાણા લેવા. લીલું લસણ, આદુ, લીલા મરચા અને ધાણા. જીરું, મીઠું, લીંબુનો રસ અને થોડું જળ ઉમેરી મિક્સર જારમાં પીસી લઈશું. કિસી ભી ફૂડ હવામાં ઘૂમને વાલે ફ્રી રેડિકલ સે ઓક્સિડાઇઝ હોતે હૈ. જૈસે કિ ચટણી ફ્રી રેડિકલ કે અટક સે થોડી હી દેર મેં કાલી પડના શુરૂ હો જાતી હૈ. વૈસે હી હમારે શરીર મેં ભી ઓક્સિડેશન હોતા હી રહેતા હૈ. વિટામિન સી, ઈ ઓર એ જૈસે એન્ટીઓક્સિડન્ટ લેને સે ઓક્સિડેશન કમ या बिल्कुल नहीं होता है. इसलिए चटनी में विटामिन सी के रूप में नींबू के रस को ऐड करने से फ्री रेडिकल का अटैक नहीं होता है, जिसकी वजह से चटनी काली नहीं पड़ेगी. अपने चटनी में विटामिन सी ना रूप में नींबू उमेरिए छे, जेथी चटनी ऑक्सीडाइज नहीं थाई, मतलब काली नहीं पड़े. फ्री रेडिकल ना अटैक थी इम्यूनिटी ओछी थाई, आर्टरी ब्लॉकेज थाई, કેન્સર થઈ શકે વગેરે થતા વાર નથી લાગતી. ફ્રી રેડિકલ કે બારે મેં એક પૂરા વિડીયો બન શકતા હૈ. બાફેલા શક્કરિયા, બટાકા અને રતાડાની છાલ ઉતારી કાપી લઈશું. સુરતી પાપડીના સાઈડ પરના રેસા કાઢી લઈશું. હવે આપણે ડીશ તૈયાર કરી લઈએ. કટિંગ કરેલા શક્કરિયા, બટાકા અને રતાળું, રેસા કાઢેલી સુરતી પાપડી, ભરેલા રીંગણ અને ઉપર લીલી ચટણી અને સિંગતેલ ઉમેરી મિક્સ કરી સર્વ કરીશું. છિલકે નિકાલ કર સબ્જી હમે ચટણી ઓર તેલ મિલાકર મિક્સ કરકે સર્વ કર સકતે હૈ. મિત્રો, આમાં મુખ્ય સ્વાદ લીલી ચટણીનો જ હોય છે. કુદરતમાં એવી કેટલીક ખાદ્ય વનસ્પતિઓ છે કે જેને દર વર્ષે વાવવું નથી પડતું, બસ એ એની જાતે જ ઉગ્યા કરે છે. એમાંની એક છે આ અરણી. તેના ફૂલની મગદાળ, મસૂર દાળ કે ચણા દાળ ઉમેરીને ભાજી બનાવી શકાય છે. અરણી એક આયુર્વેદિક પ્લાન્ટ છે. એમાંથી હિના અત્તર પણ બનાવવામાં આવે છે.
नेचर में बहुत सारी खाद्य वनस्पति ऐसी होती है जिसको हमें हर साल बोना नहीं पड़ता है या न तो उसका पोषण करना पड़ता है। इसमें से एक ये है जिसका आयुर्वेदिक नाम अरणी है। अरणी बहुत औषधीय गुणों से भरपूर है। उसके फूलों से मूंग दाल, मसूर दाल या चने की दाल मिलाकर अच्छी सब्जी बनती है। बोर बीजी वस्तु से जे दर वर्षे वावो नहीं पड़तो। बेर एक और प्लांट है जो बार बार बोना नहीं पड़ता है। ये देसी बेर है। इसमें विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स भरपूर होते हैं और कॉपर, जिंक, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल भी मौजूद होते हैं। बचपन में विंटर में हर शनिवार या रविवार को सब मित्रों की टोली बेर खाने के लिए यहाँ आने का प्रोग्राम बनाती। कभी हाथों में तो कभी पैरों में कांटे लगते थे, फिर भी बहुत मजा लेते थे। क्या आपने अपने बचपन में ऐसा आनंद लिया है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर से बताना। कुदरत का ये तीसरा उपहार पोई की भाजी, जो अपने आप ही होती है, हर साल बोनी नहीं पड़ती है। पोई कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। इसमें विटामिन सी और फॉलिक एसिड भी होता है। कोयना पान माथी शाक, मुठिया, डेबरा, हांडवो, मोटा पान होए तो पान बीड़ा जेवी रेसिपी बनावी सकाई छे। आपने आ पोई तथा अरणीनी रेसिपी वहली तके जोईशु। पोई के पत्ते की सब्जी, मुठिया, हांडवा, रोल वगैरह बनाया जाता है। बहुत जल्द अरणी और पोई की रेसिपी देखेंगे। थोड़ी चौरी अने वाल पापड़ी तोड़ीशु। अंत में आसपास के लैंडस्केप का बर्ड व्यू से दर्शन करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय भारत, वंदे मातरम। Yeah.